हे बच्चे, तुम्हें अपने क्रियोस कहाँ से मिले? ये हमसे पूछ रहा है, हम क्यों बताएं? तेरा बाप का नौकर है हम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, पिछली वाली वीडियो में हम इस टनल पे घूम गए थे भाई। हम अंदर बाहर फिर रहे हैं लेकिन टनल खत्म ही नहीं हो रही। हम जा रहे हैं हाइड्रो सिटी पे। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे हूँ टनल्स पे। मुझे जाना है यहाँ पे हाइड्रो सिटी पे जाना। वहाँ के अरेना में मुझे अपने स्किल्स ट्राई करने हैं भाई। स्किल्स मेरे इतने अच्छे हैं, मुझे जो इनको देखना है। ओ भाई साहब, और आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो में हमें मिले थे शैडो हाइव के बंदे। मतलब शैडो हाइव के बंदे सिर्फ शैडो हाइव के बंदों को ही जाने के लिए दे रहे थे। तो मुझे लगता है वो काले ड्रेस वाले बंदे जो है ना, वो शैडो हाइव हैं, वो हमें जाने नहीं दे रहे थे। उनका मकसद क्या है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे जो देख रहे हो ना, अमेजिंग सी स्टोरी है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बात है साल 3002 की। ह्यूमंस पे अत्याचार हुए, उनकी फसलों को तबाह कर दिया। जब लोगों से पूछा गया इसका कारण, तो उन्होंने बताया इनके पीछे क्रियोस है। जब अल्फ्रेड किंग को इसके बारे में पता चला तो वो लड़ पड़ा भाई क्रियोस से, उनको हराया, उनको काबू में किया और उनको सज़ा सुनाई गई। उनको सज़ा सुनाई कि वो वाइल्ड में चले जाएं और फिर कभी अल्फ्रेड किंगडम में वापस ना आएं। और हाँ, क्रियोस ने ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि गुलाम की तरह ट्रीट किया जा रहा था, उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे, इसीलिए क्रियोस ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन राजा ने उनको सज़ा दी भाई कि तुमने जो डिस्ट्रक्शन फैलाई है उसके लिए तुम वापस यहाँ पर नहीं आ सकते, मेरे किंगडम में नहीं आ सकते। ओ भाई, ये ऑसम स्टोरी है गाइस। आई थिंक वो टेम किया होगा या फिर उनको ऐसे ही भगा दिया भाई और जंगल में उनको भेज दिया भाई। मुझे देखना है यार वो अल्फ्रेड किंग कौन है यार, मुझे उसके बारे में जानना है भाई, बहुत इच्छा हो रही है मेरी। लेट्स गो भाई। आपको पिछली वाली वीडियो में याद होगा हमने इस बंदे को हराया था जो कि तगड़ा बंदा था। इसने हमें स्पेशल लिंक देने का वादा किया था, पता नहीं मुझे मिला है या फिर नहीं। कोई बात नहीं गाइस, मुझे सबसे पहले तो यार हाइड्रो सिटी पे जाना है भाई। ये देखो भाई, मेरा सारे क्रियोस अच्छे खासे हेल्थ में है। मेरे पास एक एबिलिटी है भाई, मैं जितना भी चलूंगा ना उतना ही मेरी एचपी जो है रिकवर होती जाएगी, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। एक मेरी एबिलिटी है जिससे कि मैं इनके अच्छे खासे एचपी रिकवर कर ले रहा हूँ। आज की वाली वीडियो में अब ये करने वाले हैं गाइस, थोड़े बहुत फालतू के जो बैटल होते हैं ना, हम उन्हें स्किप कर देंगे भाई, ताकि हमारा टाइम बचे। यहाँ पे एक बंदा है जो कि हमसे फालतू में बैटल लड़ेगा, उसको स्किप करना पड़ेगा हमें। आपको बताना भूल गया भाई, हमारे फिनिक्स को मिला है एक नया मूव, फायर पंच। ये देखो भाई साहब, फायर पंच गाइस, ये ऑसम मूव है। जब भी हम अटैक करते हैं ना तो एनिमी को बर्न इफेक्ट मिलता है। लेट्स गो। और हाँ भाई, यहाँ पे अगर एबस को हम इलेक्ट्रिक टाइप में इवॉल्व होने ही वाला है, एक्चुअली इवॉल्व हो चुका है वो। अगर हम इसका इवोल्यूशन होने के लिए इसको परमिशन देते हैं तो इवोल्यूशन हो जाएगा और इसको एक एक्स्ट्रा स्टार मिल जाएगा। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, यहाँ पे देखो भैया स्टार दिखा रहा है, आई थिंक ये 8 स्टार का हो जाएगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। और हाँ भाई, मैंने थोड़े बहुत और भी क्रियोस पकड़े हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे कुछ है, इसको ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा। और हम यहाँ से लेट्स गो, यहाँ से जा सकते हैं, बहुत ही प्यारा जी। ओके भाई, लूट तो मिल रही है भाई, लेकिन आगे कैसे जाएं? यहाँ पे तो रास्ता बंद है। यार स्कैम हो गया क्या हमारे साथ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से जा सकते हैं, लेट्स गो भाई। ओके यार, हाइड्रो सिटी बहुत दूर है भाई, मुझे लगा बहुत नज़दीक होगी भाई साहब। ये तो बहुत दिन से हम घूम रहे हैं, नहीं मिल रहा हो। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे टीम शैडो के बंदे दिख रहे हैं मुझे। वहाँ पे एक बंदा, एक बंदी है, मैं इसे मुकाबला नहीं करना चाहता हूँ। ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुकाबला करेगा पक्का। कोई बात नहीं, आ जा ब्रो, आ जा। हे बच्चे, तुम्हें अपने क्रियोस कहाँ से मिले? ये हमसे पूछ रहा है, हम क्यों बताएं? तेरा बाप का नौकर है हम। एक्चुअली ये गाइज, ये टीम शैडो के बंदे जो है ना, ये क्रियोस ढूंढ रहे हैं भाई। यहाँ के बेस्ट क्रियोस को लेंगे, उन पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ये। मुझे ऐसा सुनाई दिया है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्रियोस के पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं अपने क्रियोस नहीं देने वाला हूँ गाइस। ये हमारे क्रियोस चुरा सकते हैं भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अरे यार, इसकी एचपी बहुत ज़्यादा कम है गाइस, इसको पहले तो रिकवर कर लो। 57 का क्या बात है, और सुपर फोकस बढ़ गया और हमारे अंबुजा सीमेंट का इफेक्ट भी लग गया, क्या बात है यार। ओके, अभी भी पॉइजन नहीं हटाए, पॉइजन कब हटेगा मेरे को पता नहीं। अरे यार कंफ्यूज है, फिर भी अटैक किया जा रहा है भाई। स्लैम अटैक करते हैं, क्या बात है जी, एक ही अटैक में इसको ढेर कर दिया भाई। लेट्स गो, और एक आई थिंक, और एक है। आ जा आ जा भाई, चेंज नहीं करेंगे जिस लड़ते हैं, इसका लेवल अप करते हैं भाई थोड़ा। ना जा, बहुत दिन से लेवल अप नहीं हुआ है। ओह हो, अरे भाई इसने हैट पहनी हुई है, कितना क्यूट लग रहा है भाई। यार इनको ही क्यों मिलते हैं भाई इतने क्यूट क्यूट नेक्सोमोन? नहीं, क्रियोस मुझे तो नहीं मिलते भाई। 70 का डैमेज, क्या बात है, आराम से फिनिश हो जाएगा ये। लेट्स गो जी, आगे बढ़ते हैं भाई, लेवल अप, क्या बात है भाई, 36। चलो जी, बहुत ही ज़्यादा लेवल अप हो रहा है भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार। यहाँ पे कुछ बॉल है, ले लेते हैं इसको, मिला है हमें बहुत ही प्यारा, उसको कैसे लें? ओके, यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे नीचे एक बंदी है जो कि मुझे उससे मुकाबला नहीं करना है अभी। एक काम करते हैं भाई, चुपचाप निकल लेते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे नीचे और भी कुछ है, यहाँ से ऊपर जाते हैं। यार कितनी बड़ी केव है भाई,
कसम से भाई बहुत ही बड़ी केव है गाइस, यहाँ से मैं बस एस्केप होना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बंदा दिख रहा है मुझे जो कि थोड़ा अलग है। थिंक टीम शैडो का बॉस है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। इसको खबर मिली है कि कोई बच्चा जो है इसके क्लाइंट्स को मिल रहा है भाई, तो ये अभी आ गया भाई, इसका मतलब लीडर होगा। तुम्हें पता भी है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। ये यहाँ पे क्रियोस को जेनेटिकली इंचेंटमेंट कर रहे हैं भाई, ये केओस को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब जहाँ तबाही हो रहे हैं ना वो तबाही को छोड़ के ये पीस लाना चाहते हैं। यार ये मॉडिफाई करेंगे तो और भी स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे, और भी ज़्यादा पता नहीं गाइस, देखते हैं। लेट्स गो, आई थिंक बैटल होगी, इससे डिपेंड करेगा। ओ भाई ये बंदा कुछ डिफरेंट है, लेकिन इसके पास सिर्फ दो ही क्रियोस है, मुझे लगा ये 5 क्रियोस लाएगा। 32 लेवल, ओके ज़्यादा कुछ हाई तो नहीं है। चलो जी हम थोड़ा बाइंड अटैक करते हैं, कंस्ट्रक्ट अटैक करते हैं, लेट्स गो। डैमेज तो मिला है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। सिस्मिक ब्लास्ट अटैक करना चाहेगा लेकिन फेल्ड हो गया भाई, हम बाइंड अटैक करते हैं। ओके भाई 55 का डैमेज, यार इसकी एचपी कितनी ज़्यादा है भाई। ओके ओके कोई बात नहीं कोई बात, डैमेज भी बहुत ही बेकार है यार, इसको आराम से हरा देंगे भाई। स्लैम अटैक करते हैं, फिनिश करते हैं इसको। सिस्मिक ब्लास्ट मैंने बचा के रखा है भाई, अगली बार यूज़ करूँगा। जब भी मैं पहले सिस्मिक ब्लास्ट यूज़ करता हूँ ना तो ये मिस कर देता है भाई, मैं इसीलिए पहले यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके चेंज नहीं करेंगे, इसी के साथ लड़ेंगे, देखते हैं भाई। ओके डार्क टाइप, अभी सिस्मिक ब्लास्ट यूज करते हैं, सिस्मिक ब्लास्ट से अटैक करते हैं। बवंडर अटैक, बवंडर नहीं भाई बुझाल, लेट्स गो भाई। ये गया नहीं, बच जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फोकस बढ़ गया हमारा, यही तो चाहिए था। कंफ्यूज है वो, बाइंड अटैक नहीं कर सकते अभी, चार्ज नहीं हुआ है वो। कंस्ट्रिक्ट अटैक करते हैं और फिनिश करने की ट्राई करता हूँ मैं, नहीं हुआ। ओके अभी हुआ, अच्छा वो कंफ्यूज था इसीलिए। यार क्या ही मिली है, 1000 चिल्लर, क्या बात है भाई, क्या बात है, दिस इज इंटरेस्टिंग। तुमने अपना नाम क्या बताया? मारियो। क्वीन इसके बारे में सुनेगी। ओके भाई बंदा गायब ही हो गया, मतलब क्वीन इनकी क्वीन भी है भाई। यार मुझे लगा कोई बंदा चला रहा है इनकी टीम, यार यहाँ पे तो क्वीन आ गई भाई। ओ भाई फाइनली हम आई थिंक, ओ लेट्स गो, हाइड्रो सिटी के हम बहुत ही ज्यादा करीब हैं गाइस, लेट्स गो भाई, यही तो चाहिए था। ये रही क्वीन आई थिंक गाइस, ये हमें बहुत देर से नजर रखे हुए हैं भाई, तो हम वॉकरों से डिफरेंट है ऐसा बोल तो रहा है, बोल रहा है या फिर बोल रही है पता नहीं। तुम मुझे मेरे लोगों की याद दिलाते हो, क्या तुम उतने वर्दी हो? ओके भाई वर्दीनेस चेक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बैटल लड़ते हैं। आ जा भाई देखते हैं कौन वर्दी है। ओके क्वीन है भाई, ये एक ही क्रियो है इसके पास, देखते हैं भाई कितना लेवल होगा इसका। 27 लेवल है, इसको तो हम एक अटैक में फिनिश कर देंगे। इलेक्ट्रिक सिस्मिक ब्लास्ट नहीं, ये मिस कर दे। ओह अच्छा हुआ भाई इसने अटैक कर दिया, 88 एक ही अटैक में फिनिश। स्टार देखो यार कितने थे इसके, और फील्ड देखो भाई कितनी प्यारी है यार। ओके ये डिफीट हो गए गाइस, चलो जब क्या बोलना है। हाँ जैसे कि मैंने सोचा था, हम फिर से मिलेंगे। ओके चलो क्वीन बाय बाय। यार क्यूट क्वीन थी गाइस सच्ची में, लेट्स गो भाई आगे बढ़ेंगे, अभी इससे मुकाबला नहीं करना मुझे। और यहाँ पे एक नया क्रियो दिख रहा है मुझे, उसको पकड़ूंगा भाई, छोड़ूंगा नहीं मैं। और ये क्या है भाई, अंदर जाएं क्या एक बार, अंदर जाके देखते हैं गाइस, अभी हम सिटी में आए भी नहीं गाइस। हाइड्रो टाउन शॉप, ओके हम हाइड्रो सिटी पे आ गए, ये शॉप है भाई। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसके पास जाता हूँ, क्या है इसके पास देखते हैं। ये कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है भाई, मुझे नहीं चाहिए भाई, इससे बात करेंगे। हाइड्रो सिटी पे हम पहुँचे नहीं है गाइस, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे क्रियोज पड़े हैं, यहाँ पे देख रहे हो। आ जा भाई, यार एक खिला, अच्छा ये गर्ल थी सॉरी, इलेक्ट्रिशियन है क्या है भाई, कैसे खड़ी थी वहाँ पे वो। ओके भाई बाइन अटैक करते हैं पहले तो, लेट्स गो 61, क्या बात है भाई। सिस्मिक प्लस अटैक कर सकते थे, कोई बात नहीं, फोकस बढ़ गया, यही तो चाहिए भाई। रिकवर करते हैं गाइस, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर तक संभाल पाएगा। ओके इसका लेवल अप हो जाएगा अभी, मैं तो सोच रहा हूँ अपने दूसरे क्रेज को भी बाहर निकालें यार, कोई बात नहीं। रंबल कोई बात नहीं, स्लैम अटैक करते हैं, फिनिश करते हैं इसको। चलो जी एक तो गया, और यू ऑल भाई कितना ज़्यादा लेवल अप हो रहा है भाई, 38 लेवल हो गया, नया मूव मिला है हमें, क्या बात है। अभी नहीं लूँगा उसको, बाद में लूँगा। ओके हम चेंज नहीं करेंगे, सिस्मिक ब्लास्ट यूज़ करेंगे उसके बाद चेंज करेंगे। इलेक्ट्रिक और विंड, आई थिंक सिस्मिक ब्लास्ट फेल हो जाएगा क्या, नहीं नहीं फेल नहीं हुआ, लेट्स गो। 106 का डैमेज, ये बिना बात फोकस बढ़ गया, सुपर फोकस था आई थिंक। ओके भाई चेंज कर लेंगे भाई, अभी तो चेंज कर लेंगे, लास्ट क्रियो है, हम अपने फिनिश को बाहर निकालते हैं। फायर पंच हमारे पास अटैक आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई, ऑसम सा अटैक है यार, बर्न इफेक्ट मिल जाता है सामने वाले को। ओके फायर पंच अटैक करते हैं, लेट्स गो जी, 52 का डैमेज है और इसका बर्न इफेक्ट अरे नहीं मिला। ये कुछ डिफरेंट है भाई, ये पहली बार हुआ यार, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। किंडर अटैक करो यार, नहीं गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तभी नहीं लगा भाई, मैंने जितनी बार भी यूज़ किया है ना उतनी बार लगा है भाई सामने वाले को।
लेकिन पता नहीं इस बार क्यों बेनिफिट नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, एक्सपी अच्छी कैसी मिली है लेकिन हमारा लेवल अप नहीं हुआ। ओके थैंक यू सो मच लड़ने के लिए, रास्ता ब्लॉक कर दिया इसने, कोई बात नहीं यहाँ से चलते हैं। यार मुझे इनको पकड़ना है भाई। भाई कितना बड़ा है यार, लेकिन इसके पास स्टार नहीं है, मैं इसको नहीं लूंगा। आपको बैकग्राउंड में कोई भी शोर सुनाई दे रहा है प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके भाई यहाँ पे रास्ता नहीं है, यहाँ पे झील है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है भाई। आई थिंक हम हाइड्रो सिटी पे पहुंच गए, लेट्स गो, यही तो चाहिए था भाई। फाइनली गाइस हाइड्रो सिटी, यार कितने दिन से आ रहे हैं भाई हम, आई थिंक हम 2021 से आने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए थे भाई, फाइनली आज आ चुके हैं भाई। सबसे पहले तो युवाको सेंटर पर जाते हैं, युवाको सेंटर पर जाके मुझे अपने युवाकर्स को थोड़ा चेंज करना है भाई, मुझे इसको रखना है, वापस रखना है। ये क्रियो पकड़ा, ओ भाई ये क्रियो है गाइस जो कि मुझे डायमंड खर्च करने पर मिला है, इसको विड्रॉ कर लेते हैं। ये एक मिनट भाई मैंने पकड़ा था, ओके अर्थ टाइम में आता है क्या ये, लेट्स गो भाई मैंने दोनों और एक क्रियो है गाइस ग्रास टाइप गाइस, इसको विड्रॉ कर लो। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस मेरे क्रियो को, देखो गाइस इसको देखो भाई 10 स्टार गाइस क्या बात है यार। इसका इवॉल्व फॉर्म नहीं है आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, लेकिन यार इसके 10 स्टार है भाई क्या बात है गाइस। इसकी ज्यादा मूव नहीं है, इसके मूव हमें अनलॉक करने पड़ेंगे। और इसको तो आप जानते ही होंगे, हमने पिछले वाले वीडियो में इसको पकड़ा था, 6 स्टार है इसके पास। इसके पास अगर ग्लाइड होगा तो मैं इसको रख लूंगा, नहीं है इसके पास ग्लाइड नहीं है यार, ये गलत हुआ गाइस। ये नाजा का ही इवॉल्व फॉर्म है, नाजा के बहुत सारे इवॉल्व फॉर्म है गाइस, तो इसके पास ग्लाइड नहीं है जो कि बहुत ही बुरी बात है, मैं इसको रख नहीं पाऊंगा। अगर इसके पास एबिलिटी आ जाती है ग्लाइड की तो मैं इसको रखूंगा भाई, उसको अपनी विंड टाइप के बदले इसको रखूंगा। इसके पास 6 स्टार्स है जो कि अच्छी बात है। और ये रहा भाई अपना 8 स्टार वाला गाइस, मैंने थोड़े बहुत डायमंड्स कहते ना उसको, जेम्स खर्च करके इसको लिया है भाई। इसके पास ज़्यादा कुछ मूव अनलॉक नहीं हुए, एबिलिटी भी एक भी नहीं है भाई, इसका लेवल ही नहीं है भाई, लेवल 5 है कहाँ से मिलेगा। तो फाइनली हमारे पास वाटर टाइप है, और मैं ग्रास टाइप को रखने वाला नहीं हूँ, मैंने बस आपको दिखाना था कि मेरे पास 10 स्टार वाला है, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे भाई। चलो जी सबसे पहले तो यहाँ पे चलते हैं, और नाजा को मैंने वापस कर दिया है, नाजा को रखना चाहिए या फिर कॉमेंट्स में जाकर जरूर बताना। नाजा मुझे मिला था अपने फार्मर के पास, फार्मर ने मुझे दिया था भाई, मैं उसको ऐसे फालतू में रखना नहीं चाहता भाई, मुझे नाजा चाहिए यार। देखते हैं गाइस, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए गाइस। तो आई होप कि आज की वीडियो को पसंद आएगी, पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और हाँ गाइस मैं मिलता हूँ हमको अगली वाली वीडियो में क्या करने वाले हैं, यहाँ के अरेना में जाएंगे, चैलेंज करेंगे इवोकर मास्टर को भी चैलेंज करेंगे। मैं सोच रहा हूँ भाई अपना लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, 40 लेवल तक हम पहुँच गए हैं, इवोकर मास्टर 50 लेवल के होते हैं गाइस। और हाँ गाइस मैं मिलता हूँ हमको अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।